सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का 63वें एपिसोड में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, 63वां एपिसोड आरंभ करने से पहले मैंने लिया है एक कमेंट, और कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर श्रीमान युवराज सिंह सक्तावत, जो अपने पिताजी नारायण सिंह सक्तावत के साथ प्रतिदिन हमारा वीडियो देखते हैं, और वो कह रहे हैं कि गुरुजी, मैं एक बच्चा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम आपके चैनल पर एक बार प्रसारित हो। तो भाई युवराज सिंह जी, आप बच्चा हैं इस वजह से आपका नाम हमने हमारे चैनल पर प्रसारित कर दिया है, और आप अपना नाम प्रसारण सुन के बड़े प्रसन्न होंगे। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 62वें एपिसोड से जोड़ रहा हूं। 62वें एपिसोड में मैंने बताया था कि राजा नल में और बीरम सिंह, राजा बीरम सिंह में, राजा बीरम सिंह थे बीरमगढ़ नरेश, दोनों में गंगा के तट पर युद्ध के मैदान में भयंकर युद्ध होता है, और राजा बीरम पराजित हो जाते हैं राजा नल से पराजित होकर के अपनी पुत्री बीरमती के पास बीरम सिंह पहुंचता है और अपनी पुत्री से कहने लगा, बेटी अब मेरी लाज केवल तू ही रख सकती है। बीरमती कहने लगी कि कैसे पिताजी, कि मैं नरवर के राजा नल ने मुझे पराजित कर दिया है और तू तेरे जादू से इसकी रानी दमयंती का हरण कर ला। श्रोताओं, बीरमती गंगा के तट पर आ जाती है और राजा नल और दमयंती, क्योंकि विजेता थे, उस गंगा के घाट पर स्नान करने आ जाते हैं। दमयंती कहने लगी कि महाराज, मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगी और देखूंगी कि तुम पहले निकलते हैं या मैं। यदि आप पहले निकले तो आप हार जाएंगे, और मैं पहले निकली तो मैं हार जाऊंगी। नल बोला, ठीक है दमयंती, पर तू ये मत समझे कि तू समुद्री क्षेत्रों की रहने वाली है, ज्यादा समय तक पानी में रुक सकती है, मैं भी पानी में ठहर सकता हूं। दमयंती बोली, ठीक है महाराज, इस बात की आज शर्त रही। और हे श्रोताओं, ये सोच करके दोनों नल और दमयंती गंगा में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही नल और दमयंती ने गंगा में प्रवेश किया और डुबकी लगाई, तो बीरमती तो वह तैयार बैठी थी, अपने चारों वीरों को रानी दमयंती पर छोड़ा, अपना जादू चलाया दमयंती पर, और चारों वीर दमयंती का हरण करके ले जाते हैं बीरमगढ़ के लिए। हे श्रोताओं, रानी दमयंती का हरण करने के बाद राजा बीरम सेन अपनी सेना को आदेश दे देता है कि चलिए सभी बीरमगढ़ की तरफ प्रस्थान करो। श्रोताओं, राजा बीरम सेन कुछ ही समय में अपनी राजधानी लौट आता है बिना गंगा स्नान किए हुए, उसकी पुत्री भी साथ में आ जाती है। अब देखिए होता क्या है, राजा नल ने जब काफी समय बाद उस गंगा के जल से अपना मुख बाहर निकाला और चारों तरफ देखा कि अभी तो रानी दमयंती नहीं निकली है, फिर दोबारा गंगा में डुबकी लगाई, और दोबारा डुबकी लगाने के बाद काफी समय तक ठहरा और फिर बाहर निकला, तो फिर भी दमयंती दिखाई नहीं दी। नल सोचा, मैं हार जाऊंगा और दमयंती जीत जाएगी, एक बार और डुबकी लगाता हूं। तीन बार डुबकी लगाई और तीसरी बार बाहर निकला तो दमयंती फिर दिखाई नहीं दी। राजा नल सोचने लगा कि ये क्या हुआ, मैं तीन बार डुबकी लगा चुका हूं और दमयंती नहीं निकली है, क्या कारण है इसका। मन में सोच रहा है, काफी देर हो गई बाहर खड़े हुए, लेकिन दमयंती का कोई अता पता नहीं है। राजा नल घबरा गया। राजा नल कहने लगा कि मेरी पत्नी दमयंती इस गंगा में बह गई, अब क्या होगा भगवान। राजा नल ने वह उपस्थित गोताखोरों को बुलाया कि मेरी रानी दमयंती ने इस स्थान पर डुबकी लगाई थी, आप दमयंती को खोजिए। श्रोताओं, दमयंती को खोजने के लिए गोताखोर गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, परंतु वह दमयंती हो तभी तो कुछ पता चलेगा। राजा नल के पास उपस्थित सैनिक गंगा पर चार चार कोस आगे तक दौड़ गए कि कहीं दमयंती की लाश बहती हुई गंगा में मिले, परंतु श्रोताओं, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। राजा नल इधर गंगा पर दमयंती की लाश को खोज रहे हैं कि दमयंती मर चुकी है, और उधर सुनिए, राजा बीरम सेन पहुंच जाता है अपने गढ़ में, अपने दुर्ग में, और वहां पहुंचने के बाद
रानी दमयंती से जादू हटाया और जादू हटाने के बाद दमयंती ने देखा कि वह एक राजा के महल में खड़ी हुई है। दमयंती सोचने लगी कि हे भगवान, क्या मैं कोई स्वप्न देख रही हूं? ये क्या हुआ? मैंने तो मेरे पति के साथ गंगा में डुबकी लगाई थी, परंतु मैं तो किसी महल में हूं। ये कैसे हो गया? क्या मैं स्वप्न देख रही हूं? और सामने देखा तो बीरम सिंह राजा चला आ रहा है सामने से। बीरम सिंह कहने लगा, सुंदरी, तुझे पाने के लिए तो देवराज इंद्र जैसे आए थे, परंतु वो भी तुझे प्राप्त नहीं कर सके और मुझे तो तुम अनायास प्राप्त हो गई। दमयंती कहने लगी, कायर, तू कौन है और मुझे यह लाने का दुस्साहस किया? तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। बीरम सिंह कहने लगा, प्रिय, अब तुम नहीं जा सकोगी, अब तो तुम्हें मेरा वरण करना पड़ेगा। दमयंती बोली कि मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैं उस शेर की पत्नी हूं, उस क्षत्रिय की पत्नी हूं जो तेरे इस बीरमगढ़ को धूल में मिला देगा। राजा बीरम सेन कहने लगा, रानी क्यों मूर्ख बन रही हो? अब तुम्हारा नल यहां आने वाला नहीं है। उसने गंगा के युद्ध में तो मुझे हरा दिया, परंतु उसी पराजय का बदला लेने के लिए मैंने ये प्रण किया था कि इस राजा नल की पत्नी दमयंती को अपनी रानी बनाऊंगा, इसलिए अब तू कहीं नहीं जा सकती। उधर से वीरमती भी आ जाती है। अब देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती वहां विलाप करती है, रो रही है, लेकिन राजा बीरम सेन कह रहा है कि नहीं, तुझे मुझसे विवाह करना होगा। रानी दमयंती बोली कि मेरे गोदी में 6 वर्षीय राजकुमार था और वह राजकुमार अकेला गंगा के घाट पर रो रो के मर जाएगा। राजा बीरम सेन बोला कि उसे बताइए, उसे भी मैं तुम्हारे पास मंगा देता हूं। तुम्हारा राजकुमार यदि मर जाएगा तो तुम दोनों माता और पुत्र मेरे महल में आराम से रहना। अपनी पुत्री वीरमती से कहा कि वीरमती, गंगा के उसी तट पर अपने वीरों को भेज और वहां एक राजकुमार है छोटा सा, उस राजकुमार को जो कि दमयंती का पुत्र है उसे लेकर के यही महलों में आ जाएं। रानी दमयंती वीरमती से बोली कि देखिए वीरमती, तैने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मेरा पुत्र मेरे भतीजे किशनलाल की गोद में सोया हुआ है। मैं जब गंगा स्नान के लिए आई थी तो उसकी गोदी में था। वीरमती ने जादू का पिटारा निकाला, वीरों को याद किया और भेज दिया गंगा के तट पर। देखिए श्रोताओं, जहां किशनलाल की गोदी में ढोल कुमार सो रहा है, किशनलाल भी शयन मुद्रा में है और तब तक चारों वीर किशनलाल के पास से उस ढोल कुमार को भी उठा ले जाते हैं। ले जा करके ढोल कुमार को रानी दमयंती को सौंप दिया कि ले तुम्हारा पुत्र और अब मुझसे विवाह कर। दमयंती बोली कि देखिए राजा नल, मैं तुझसे विवाह करूंगी तब जब तू राजा नल को पराजित कर देगा, नहीं तो तू मेरे साथ विवाह नहीं कर सकता। वह कहने लगा राजा कि दमयंती, तू कहीं नहीं जा सकती, तेरा पति यदि यहां आया तो हमारे हाथों से मारा जाएगा, तुझे अवश्य हमसे विवाह करना पड़ेगा। दमयंती कहती है कि महाराज, 6 महीने का वायदा कीजिए, 6 महीने तक जैसे तुम्हारी वीरमती पुत्री है उसी तरीके से मैं तुम्हारी पुत्री बन के रहूंगी और 6 महीने के बाद तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। राजा बीरमसेन कहने लगा, ठीक है, मैं मान लेता हूं, तू 6 महीने चली जा, मेरी पुत्री वीरमती के महल में रहे, कक्ष में रहे, और 6 महीने बाद यदि तुझे कोई नरवर से छुड़ाने नहीं आया तो फिर मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। हे श्रोताओं, रानी दमयंती को उस दुष्ट राजा ने अपनी पुत्री वीरमती के कक्ष में भेज दिया। रानी दमयंती बड़ी परेशान थी, कुछ कर नहीं सकती थी, मजबूर थी। अब उधर का हाल सुनिए क्या होता है। राजा नल ने गंगा के 4-4 किलोमीटर के क्षेत्र में जाल डलवा दिए, लेकिन दमयंती की कहीं लाश नहीं मिली। राजा नल बेहाल हो गया, रोते रोते अपने शिविर की तरफ चल दिया और शिविर में आकर के देखा तो किशनलाल भी सोया हुआ था। किशनलाल पर उन वीरों का जादू अब भी असर कर रहा था। और देखिए वीरमती ने क्या किया, एक अपना वीर वहीं गंगा के तट पर छोड़ दिया निगरानी के लिए। उस वीर ने मायावी वेश बनाया, एक बुड्ढे का रूप धारण किया और महाराज नल से कहने लगा कि अरे महाराज,
कुछ कहा नहीं जाता, क्या बताऊं? नल बोले, कहो क्या हुआ, क्या मेरी रानी का कोई समाचार है? कि नहीं महाराज, तुम्हारा तो परिवार ही नष्ट हो गया। कि कैसे? कि तुम्हारे भतीजे ने तुम्हारे पुत्र को अपने हाथों से काट करके गंगा में बहा दिया। हे श्रोताओं, नल कहने लगा, तू क्या कह रहा है? मेरा भतीजा तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। सूर्य पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कि महाराज, आप जाकर के देखें, विश्वास कीजिए, मेरे सामने काट करके गंगा में बहाया है और अब वो बहाना बना के सो रहा है। श्रोताओं, राजा नल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। राजा नल अपने तंबू में आया और तंबू में आकर के देखता है तो किशन लाल शयन मुद्रा में है, सो रहा है। राजा नल ने किशन लाल को ठोकर देकर के जगाया, क्रोध जाग गया, चुगल ने चुगली की और उस चुगली ने असर दिखाया। किशन लाल जागा और जाग करके कहने लगा, कहो चाचा जी, क्या बात है? इस तरीके से क्यों जगाया मुझे? कि ढोल कुमार कहाँ है? कि चाचा जी, ढोल कुमार को तो मुझसे कुछ समय पहले तुम ले गए थे। राजा नल का रूप धारण किया था उन वीरों ने जब ढोल कुमार का हरण किया था, और किशनलाल कह रहा है कि तुम ही तो लेकर के गए थे। नल कहने लगा, मूर्ख कायर दुष्ट, तैने मेरे पुत्र को काट करके गंगा में बहा दिया, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। किशनलाल कहने लगा, आप कुछ होश में तो हैं, आप क्या कह रहे हैं? किशनलाल कहने लगा कि ढोल कुमार तो मुझे इतना प्यारा था जितना तुम्हें भी नहीं था। नल कहने लगा, झूठे कायर, तैने विश्वासघात किया है मेरे साथ। तुझे यदि राज्य चाहिए था तो तेरे पिता का राज्य है धजनगर का, और नरवर का राज्य चाहता तो मैं तुझे नरवर का राजा भी बना देता, पर तैने मुझे ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे पुत्र का वध क्यों किया तैने? किशनलाल हाथ जोड़ता है, माफी मांग रहा है कि मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है कि आपके पुत्र का क्या हुआ, महाराज आप स्वयं लेकर के गए थे। देखिए श्रोताओं, अब तो राजा नल व्याकुल हो जाता है, सोचने लगा, मेरे परिवार का अंत हो गया, मेरी रानी दमयंती तो गंगा में मर गई, मेरे पुत्र को इस किशनलाल ने मार दिया, और इस किशनलाल को मुझे मृत्यु दंड देना है। देखा जाएगा, पुष्कर कुछ कहेगा सो देख लूंगा, उससे भी मेरा युद्ध होगा तो कोई बात नहीं है। व्याकुल हो गया, पागल हो गया, मदांध हो जाता है और किशनलाल में मार लगाने लगा। किशनलाल कहने लगा कि चाचा जी, इसमें मेरा दोष नहीं है, तुम जो समझ रहे हो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कि नहीं कायर, तैने ही मेरे पुत्र को काट करके गंगा में बहा दिया, ऐसा घिनौना कृत्य किया है तैने जो कोई नहीं कर सकता। किशनलाल कहने लगा, चाचा जी ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये असत्य कह रहे हो। हे श्रोताओं, संपूर्ण सभा लगी हुई थी, लाखा दादा भी उसमें विराजमान थे। नल का क्रोध देख करके सभी सभा चुप लगा जाती है, और नल ने अपने कालू नामक एक भंगी था, कालू नामक एक जल्लाद था, उस जल्लाद को बुलाया। कहा, कालू जल्लाद, कि जी महाराज, इस दुष्ट को ले जाओ और इस दुष्ट को इस गंगा जी के दूर बेहड़ वन में ले जा करके फांसी लगा करके मार देना, इसके नेत्रों को निकाल लेना, इसके वस्त्र इसके खून में करके मेरे पास ले आना, जाओ ले जाओ इसे। श्रोताओं, अब तो राजा नल के आदेशानुसार जल्लाद कालू ने 3 जल्लाद और बुला लिए, 4 जल्लाद हो गए, और चारों जल्लादों ने किशनलाल को पकड़ लिया। किशनलाल को लेकर के चारों जल्लाद चल देते हैं, चले जा रहे हैं बेहड़ वन के लिए। अब देखिए, किशनलाल मन में विचार कर रहा है कि हे भगवान, मुझ पर ये कलंक और लग गया, मौत तो अलग बात है, मुझ पर ढोल कुमार की मृत्यु का, उसकी हत्या का कलंक और महाराज नल ने लगा दिया। ये सोचता हुआ चला जा रहा है और अपने प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि अब मैं कैसे अपने प्राण बचाऊं। किशनलाल ने जल्लादों से कहा कि हे जल्लादो, तुम मुझे जीवित छोड़ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें प्रदान करूंगा।
परंतु जल्लाद कहने लगे, नहीं किसनलाल, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। तुमने तो नरवरगढ़ का बीजवंश ही समाप्त कर दिया। तुमने तो महाराज नल के पुत्र धौल कुमार का अंत कर दिया, काट करके गंगा में बहा दिया। इतना घिनौना कृत्य किया है तुमने, इसलिए तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हे श्रोताओं, धौल कुमार की हत्या के जुर्म में किशनलाल को जल्लाद लेकर के जा रहे हैं। किशनलाल उनके साथ जा रहा है और एक बेहड़ वन में गंगा से कुछ दूरी पर ले जा करके किशनलाल को खड़ा कर लिया, नग्न तलवारें खींच ली। अब किशनलाल मन में विचार करने लगा कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो किशनलाल को याद आया, अपनी चाची गजमोतनी की याद आई कि गजमोतनी ने वायदा किया था कि जब कोई आपत्ति आएगी इस वंश पर तो मैं रक्षा करूंगी। किशनलाल ने ध्यान धरा गजमोतनी का और गजमोतनी ने परिलोक में आवाज सुनी कि मेरा भतीजा, मेरा प्यारा भतीजा क्यों पुकार रहा है मुझे। दौड़ करके आई और देख रही है उस वन में आकर के कि चारों जल्लाद तलवार ताने हुए किशनलाल पर खड़े हुए हैं। गजमोतनी कहने लगी, ठहर जाओ जल्लादो, मेरे पुत्र के हाथ लगाने का दुस्साहस किया तो चारों मारे जाओगे। दमयंती की बात सुनकर के जल्लाद कहने लगे, कौन है, सामने क्यों नहीं आता। कि मैं रानी गजमोतनी हूं, तुम नहीं जानते कि राजा उल्टे स्वभाव के होते हैं। यदि महाराज नल ने बाद में तुमसे पुत्र को मांगा कि मेरे भतीजे को लाओ तो तुम कहां से दोगे, तुम मारे जाओगे, इसलिए मेरे कहने से इस मेरे बेटे को छोड़ दो और एक मृग मारना, मृग मार करके उसके नेत्र निकालना और नेत्र निकाल करके चले जाओ अपने महाराज के पास। इस किशनलाल के वस्त्र ले जाओ, वस्त्र को मृग के खूनों में रंग ले जाना और महाराज को सौंप देना। देखिए श्रोताओं, चारों जल्लाद रानी के कहने से किशनलाल को छोड़ देते हैं और वापिस चल देते हैं। मार्ग में से एक मृग मारते हैं और किशनलाल के जो वस्त्र थे उन वस्त्रों को मृग के खून में कर लेते हैं और उन नेत्रों को और उन कपड़ों को लाकर के महाराज नल को दे दिया। और जब महाराज नल को यह ज्ञात हुआ कि मैंने ये क्या किया, मैंने तो मेरा सर्वनाश कर दिया, तो नल विलाप करने लगा, रोने लगा। उधर देखिए श्रोताओं, रानी गजमोतनी अपने भतीजे किशनलाल से कहने लगी, बेटे घबराओ मत और चिंता मत करो, रानी दमयंती जिंदी है, मरी नहीं है, और तुम्हारा छोटा भाई धौल कुमार जीवित है, मरा नहीं है, परंतु बीरमगढ़ के राजा ने उन दोनों का अपहरण करवा लिया है। उसकी पुत्री बीरमती बड़ी जादूगरनी है और दोनों का हरण करके बीरमती ले गई है और बीरमती ने उन्हें अपने किले में कैद कर रखा है। बीरम सिंह रानी दमयंती से विवाह करना चाहता है। किशनलाल कहने लगा, माता तब तो मैं बीरम सिंह को नष्ट कर दूंगा। कि बेटे अभी समय नहीं आया, अभी आपको छिप करके बीरमगढ़ पहुंचना है, तुम बीरमगढ़ की तरफ चलो। जब तक तुम्हें मेरा आदेश ना मिले तब तक तुम्हें युद्ध में भाग नहीं लेना है, तुम्हें वहीं छिप कर रहना है। तुम्हारा चाचा नल तुम्हें अवश्य याद करेगा, तुम्हें तुम्हारे लिए रोएगा और वह तुम्हें सहायता करनी है जब मैं बताऊंगी। श्रोताओं, दमयंती ने किशनलाल को तो भेज दिया बीरमगढ़ की तरफ और इधर राजा नल विलाप करता हुआ गंगा के तट पर आ जाता है। मन में विचार करने लगा कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। रानी दमयंती गंगा में बह गई, पुत्र धौल कुमार किशनलाल ने मार दिया और किशनलाल को मैंने मेरे हाथों से मार दिया, अब मैं जी करके क्या करूंगा, इसलिए मुझे गंगा माता को अपना शीश अर्पित कर देना चाहिए। राजा नल ने तलवार निकाली, गंगा के घाट पर अपना शीश काटने के लिए तैयार हो गए, शीश काट रहे थे। रानी गजमोतनी ने विचार किया कि महाराज नल अपना सर काट लेंगे। रानी गजमोतनी वहां प्रकट हो जाती और कहने लगी, महाराज ठहर जाओ। राजा नल ने देखा, कहने लगा, अरे रानी अब तू क्यों आई है। कि नहीं महाराज, मेरा ये वायदा था, मैंने मरते समय आपको वचन दिया था
कि जब जब तुम पर संकट पड़ेगा तुम मुझे याद करोगे या तुम्हारे परिवार का कोई याद करेगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। गजमोतनी कहने लगी कि मरो मत, ठहर जाओ, क्यों मर रहे हो, क्या कारण है? कि रानी क्या बताऊं, मेरे परिवार का अंत हो गया। कि कैसे, क्या कारण से हुआ? कि मेरी रानी दमयंती तो गंगा में बह गई, गंगा में डूब करके मर गई। कि नहीं महाराज, आप भूल रहे हो, रानी दमयंती जीवित है। हे रानी, रानी दमयंती यदि जीवित है तो मेरा राजकुमार ढोल कुमार किशनलाल ने काट करके गंगा में बहा दिया। कि नहीं महाराज, वह भी जीवित है। और उन दोनों माता और पुत्र का अपहरण राजा बीरमगढ़ के नरेश ने अपनी पुत्री बीरमती के द्वारा करवा लिया है। दोनों बीरमसेन की कैद में, बीरमगढ़ की जेल में हैं। राजा नल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब तो राजा नल ताहड़ मार मार करके रोने लगा कि हे रानी, मैंने मेरे भतीजे किशन लाल को मौत के घाट उतार दिया, मेरे हाथों से मरवा दिया। कि महाराज, जो काम आपने हाथों से कर दिया तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती, वो तो तुम्हारे हाथ की बात है। परंतु यदि तुम तुम्हारे परिवार को बचाना चाहते हैं तो पहले अपनी रानी दमयंती की जेल छुड़ाओ जाओ, और यहां से आगे का जो वर्णन है आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं से, दर्शकों से और सब्सक्राइबरों से इस वीडियो को समाप्त करने की लेता हूं अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।